फ्रेंड्स, आज के इस छोटे से सेशन में हम एरर्स को सॉल्व करेंगे कि एरर्स को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, एरर को किस तरीके से सॉल्व करना है, एरर को किस तरीके से फाइंड करना है, यानी कि सेंटेंस में जो गलती है वो किस तरीके से ढूंढनी है और किस तरीके से उसको करेक्ट करना है। यही छोटा सा अप्रोच लेकर चलेंगे आज के इस वीडियो में। पहला एरर लिखा हुआ है, आई नो द फ्रेंच एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। अब आपको समझना पड़ेगा कि जब भी बात की जाए लैंग्वेज की तो इंग्लिश और फ्रेंच ये दोनों लैंग्वेज हैं। तो रूल ये कहता है कि जितनी भी लैंग्वेज होती हैं उनसे पहले आपको आर्टिकल द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो लैंग्वेज है तो। यहाँ पर साफ लिखा है, क्लियरली मेंशन है कि इंग्लिश लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज, तो लैंग्वेज से पहले आपको आर्टिकल लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप एरर्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, थ्री एसोसिएट्स एंड माइसेल्फ सेलेक्ट द आर्किटेक्ट। अब इसका रूल ये होता है कि जितने भी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में या तो सेल्फ या फिर सेल्स आता है, वो सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं और ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। तो यहाँ लिखा हुआ है थ्री एसोसिएट्स एंड माइसेल्फ सेलेक्ट, ये हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले ये हमारा सब्जेक्ट है। तो ये माइसेल्फ, योरसेल्फ या फिर योरसेल्फ्स, आवरसेल्फ्स, ये जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं और ये यहाँ पर सब्जेक्ट बना हुआ है। तो माई सेल्फ का सब्जेक्ट होता है आई, तो यहाँ पर आई ज़्यादा प्रेफरेबल है। बहुत से लोग इंट्रोडक्शन भी इसी तरीके से देते हैं कि माई सेल्फ फिर अपना नाम बोलते हैं, जो कि गलत होता है। आप माई सेल्फ का यूज़ इंट्रोडक्शन के लिए नहीं कर सकते, अगर आपको बोलना है तो आप बोलिए आई एम, फिर आप अपना नाम बोलिए। नेक्स्ट एरर है, आई फॉरबेड यू नॉट टू एंटर दिस रूम। अब ये जो वर्ड फॉरबेड है इसका मतलब होता है मना करना, और इसका रूल ये होता है कि फॉरबेड के बाद सेंटेंस में कभी भी नॉट का यूज़ नहीं किया जाता। आई फॉरबेड यू टू एंटर दिस रूम, यहाँ पर कभी भी नॉट का यूज़ आपको नहीं करना है, यानी कि फॉरबेड के साथ नॉट का यूज़ नहीं करना है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फॉरबेड, सेकेंड होती है फॉरबेड एंड द थर्ड इज़ फॉरबिडन, तो इन तीनों के साथ में आपको नॉट का यूज़ नहीं करना है। सेम, द मदर फॉरबेड द सन नॉट टू टेल लाइज। आई होप कि आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि जब भी फॉरबेड का यूज़ किया जाएगा तो उसके साथ में नॉट का यूज़ नहीं करना है। नॉलेज इज़ इवन मोर प्रेफरेबल देन riches। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब भी आपके सेंटेंस में या तो यूज़ किया जाए प्रेफर या फिर प्रेफरेबल, तो इनसे पहले ना तो मोर का यूज़ किया जा सकता ना इनके बाद कभी भी देन का यूज़ किया जा सकता। प्रेफरेबल या फिर प्रेफर के साथ में अगर आप चाहें तो कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए टू का यूज़ कर सकते हैं। तो नॉलेज इज़ इवन मोर, मोर का यूज़ नहीं हो सकता और देन का यूज़ नहीं हो सकता, मोर तो आएगा ही नहीं, लेकिन देन की जगह पर आप हमेशा टू का यूज़ करेंगे, तो ये सेंटेंस हो जाएगा नॉलेज इज़ इवन प्रेफरेबल टू रिचेज। नेक्स्ट इज, पुलिस वॉज अरेस्टिंग अ लोकल थीफ। ये बहुत ही ईजी एरर है। थ्री पी यानी कि पब्लिक, पुलिस एंड पीपल, ये हमेशा कंसीडर किए जाते हैं प्लूरल, जब ये प्लूरल हैं तो इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही रहेगी। तो पुलिस वॉज का यूज़ ना होकर पुलिस वर बेटर और राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज, ही एज वेल एज यू आर इनोसेंट। तो जब भी दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज से कनेक्ट यानी कि जोड़ा जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब या तो यूज़ की जाएगी सब्जेक्ट फर्स्ट या फिर सब्जेक्ट सेकेंड के अकॉर्डिंग। अगर आपने कहा कि सब्जेक्ट सेकंड तो ये गलत है, क्योंकि एज वेल एज के साथ हमेशा जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है वो सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही अप्लाई की जाती है, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज आ जाएगा। ये बहुत ही बेसिक से एरर है जिन्हें सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो इंटरमीडिएट और देन एडवांस लेवल तक आप इजीली पहुँच सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सीखते रहिए और ऐसे ही खुद को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। We'll be right back.